आज दिन भर की कई महत्वपूर्ण खबरें निकल के सामने आ रही है, चलिए कर विस्तार से बताते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फॉरवर्ड चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है। अब सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा केंद्रीय चुनावी समिति की बैठक कल 25 अगस्त को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में होगी। इससे पहले शुक्रवार को भाजपा ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन को अपवित्र बताते हुए कांग्रेस से पूछा कि क्या वो अपने सहयोगी के भारत को तोड़ने के एजेंडे का समर्थन करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा बेहद खास रहा। इस दौरे से भारत ने कई स्पष्ट संदेश दिए हैं, वहीं कुछ बड़े संकेत भी दिए हैं। इन सबसे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अपनी साख को और ज़्यादा मजबूत किया। युद्ध के समय में अभी तक रूस के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे भारत की भूमिका पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के बाद बदल चुकी है। पीएम मोदी ने स्पष्ट कह दिया है कि वो किसी देश के नहीं बल्कि शांति के पक्षधर हैं। अनुसूचित जाति में सब डिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में इसको लेकर बहस चल रही है। इसी बीच पसमानदा मुसलमानों ने भी अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर अपनी मांग रख दी है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज और अन्य मुस्लिम संगठनों ने मांग की है कि कम से कम 12 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। रामदेव की पतंजलि को हाई कोर्ट ने दी 1 सप्ताह की मोहलत, 4 करोड़ का जुर्माना। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के माफी स्वीकार करने के बाद उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई बंद कर दी। लंबे समय से चल रहे इस मामले में पतंजलि के लिए बड़ी राहत है, लेकिन एक राहत मिलते ही दूसरी मुसीबत आ खड़ी हुई है। आपको बता दें कि लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक बम्बई हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पतंजलि समूह से कहा है कि उस पर लगाए गए 4 करोड़ रुपए के जुर्माना को 1 सप्ताह के अंदर जमा करें। इंडियन क्रिकेट टीम के धाकर बल्लेबाज शिखर धवन ने शनिवार को इंटरनेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सुबह सुबह एक इमोशनल वीडियो शेयर किया। आपको बता दें कि गब्बर नाम से मशहूर धवन लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे। उन्होंने आखिरी इंटरनेशनल मैच दिसंबर 2022 में खेला। उन्होंने 2010 में डेब्यू किया था। बाएं हाथ के बल्लेबाज का करियर शानदार रहा। उन्होंने 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले। शनिवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नफरत की फसल काटने वाली कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासी ज़मीन सदा के लिए बंजर हो गई है। उन्होंने गठबंधन को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या कांग्रेस अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में ढकेलने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणा का समर्थन करती है। केंद्र मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले 28 सीटों पर दावा ठोक दिया है। वहीं चिराग पासवान ने रांची में लोजपा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुला ली है। इसमें बिहार झारखंड समेत अन्य राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। इससे भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ गई है। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भी झारखंड में 11 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की थी। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद नई नवेली सरकार की तरफ पाकिस्तान ने सहायता की पेशकश की। हालांकि पाकिस्तान इस समय खुद IMF के कर्जे के इंतजार में है। दरअसल बांग्लादेश में इस समय विनाशकारी बाढ़ आई हुई है, जिसके कारण अभी तक करीब 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अभी भी लाखों लोग इस बाढ़ में फंसे हुए हैं। इसके अलावा फसलों और घरेलू जानवरों का भी नुकसान हुआ है। इस्माइल हानिया की मौत के बाद यहया सिनवार को हमास का नया चीफ बनाया गया है। यहया सिनवार ने ऐसे वक्त में हमास की कमान संभाली है जब गाजा संघर्ष को लेकर युद्ध विराम के लिए चर्चाओं का दौर जारी है। इस बीच ऐसी जानकारी सामने आई है कि हमास के नए चीफ ने युद्ध विराम को लेकर एक नई शर्त रखी है। हमास के नेता यहया सिनवार ने अपने जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय गारंटी की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्धग्रस्त देश यूक्रेन के एक दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को राजधानी कीव पहुंच गए हैं। कीव पहुंचने पर पीएम मोदी का भारतीय समुदाय ने भव्य स्वागत किया। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यूक्रेन यात्रा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी कुल 7 घंटे तक कीव में रहेंगे। इस दौरान वो राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ एकांत में रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इसके बाद दोनों देशों के बीच
प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी होगी। दिल्ली के सड़कों पर ई रिक्शा की भीड़ दिखना आम बात है, इसकी वजह से कई बार ट्रैफिक जाम भी लग जाता है। इन्हें लेकर अब दिल्ली सरकार कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। अवैध ई रिक्शा के बढ़ती संख्या को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने फैसला किया है कि अगर मालिक अपने वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं करते तो जब्त और अपंजीकृत ई रिक्शा को 7 दिन के अंदर स्क्रैप कर दिया जाएगा। पहले इस प्रक्रिया के लिए 90 दिन का समय दिया जाता था। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से सियासी उठापटक चल रही है। अचानक से चंपाई सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाता तोड़ने के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। जहां पार्टी ने उन पर अब तक कोई सीधी टिप्पणी नहीं की है, वहीं कांग्रेस नेता और हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री बन्ना गुप्ता ने उन्हें कुर्सी का लोभी और सरकार में रहते हुए भीतरघात करने वाला बताया है। हालांकि अब चंपाई सोरेन ने साफ कर दिया है कि एक हफ्ते में सबके सामने साफ तस्वीर आ जाएगी। बम्बई हाई कोर्ट ने राजनीतिक दलों या व्यक्तियों को महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने से रोक दिया है। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने थाने जिले के बदलापुर के एक स्कूल में 2 बच्चों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में 24 अगस्त को पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया है। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार बंद को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के 59,000 पदों पर 4 साल पहले हुई बहाली में आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाकर भर्ती करने के हाई कोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ दोतरफा मोर्चाबंदी का अखाड़ा बन गया है। उच्च न्यायालय के फैसले के बाद से ही वे लोग आदेश लागू करने की मांग कर रहे हैं जिन्हें इस पर अमल से नौकरी मिल सकती है। अब वे लोग भी मैदान में उतर गए हैं जिनकी नौकरी नई मेधा सूची बनने से जा सकती है या उनकी 4 साल नौकरी करने से हासिल वरीयता ख़त्म हो सकती है। इनकी मांग है कि राज्य सरकार फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। लोकसभा चुनाव में मिली भारी सफलता के बाद यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बेहद आक्रामक मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। वे भाजपा को अपने मुद्दों पर चलने को मजबूर कर रहे हैं, बार बार आरक्षण और पीडीए के नाम पर निशाने पर ले रहे हैं। शुक्रवार को अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि बांटने की राजनीति करने वाले खुद बढ़ गए। पन्ना प्रमुखों की बात भाजपा करती थी लेकिन वो इतिहास बन गए हैं। अखिलेश यादव ने उपचुनाव से पहले भाजपा पर 25 सवालों का बाउंसर भी मारा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि अब जब भाजपा के संगी साथी कह रहे हैं कि वो बूथ पर जाकर व्यवस्था संभालेंगे तो इसका मतलब साफ है कि वो लोकसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक पराजय को देखते हुए ये मानकर चल रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता हताश होकर बूथ छोड़कर भाग चुका है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक पर मुकदमा चलाने की मंजूरी प्राप्त कर ली है। आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट को इस बात की जानकारी देते हुए जांच एजेंसी ने कोर्ट में मंजूरी भी दाखिल कर दी। सीबीआई द्वारा विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत को इस बारे में जानकारी दी गई है, जिसके बाद उन्होंने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 अगस्त को सूचीबद्ध कर दिया। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में बुजुर्गों को अब पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। उन्होंने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर पिछले 5 महीने से इसे रोकने का आरोप भी लगाया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी ने बुजुर्गों की पेंशन को रोक रखा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थे। वो कई बार हमारे पास आकर इस बात की गुहार लगा चुके थे। आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें बुजुर्गों की चिंता है जिन्हें वो अपने माँ बाप मानते हैं। ऐसे में बुजुर्गों की पेंशन दोबारा शुरू कर दी गई है। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने जान से मारने की धमकी देकर एक शख्स की ज़मीन अपने नाम कराने के मामले में अब्बास अंसारी, उसके मामा आतिफ रजा उर्फ सरजील रजा और करीबी अफरोज की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। जन स्वराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। पीके ने कहा है कि नीतीश कुमार ने 2015 के विधानसभा चुनाव में जिन 7 निश्चयों की घोषणा की थी उन्हें कुर्सी के बचाने के चक्कर में भूल गए हैं।
नीतीश सरकार के 12 लाख लोगों को नौकरी देने के वादे को भी उन्होंने चुनावी जुमला बताया है। इसराइल और हमास के बीच पिछले 321 दिनों से जंग जारी है। इसराइल वेस्ट बैंक समेत गाजा पट्टी पर लगातार हमले कर रहा है। गुरुवार को भी इसराइली सुरक्षा बलों ने गाजा पट्टी में कई स्थानों पर हमले किए जिसमें 22 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इस बीच इसराइल के मददगार देशों को अब युद्ध अपराध में घसीटने की तैयारी हो रही है। कानूनी विशेषज्ञों ने उन देशों को युद्ध अपराध में घसीटे जाने की चेतावनी दी है जिन्होंने युद्ध के समय बड़े पैमाने पर इजरायली लड़ाकू विमानों और टैंकों को ईंधन की सप्लाई की है। भारत के दो प्रमुख पड़ोसियों की हालत एक जैसी होती नजर आ रही है। पाकिस्तान पहले से ही वर्ल्ड बैंक से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है कि कैसे भी करके IMF या वर्ल्ड बैंक उसे कुछ कर्जा दे दे। अब हालिया समय में सत्ता परिवर्तन देखने वाला बांग्लादेश भी उसी लाइन में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। हिंसक प्रदर्शनों के बाद हुए तख्ता पलट से बांग्लादेश के आर्थिक हालात बिगड़ गए हैं। पिछले सालों में कई न्यूज़ एजेंसियों के मुताबिक बांग्लादेश दक्षिण एशिया की सबसे तेज़ी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था थी और अब हालत यह है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने वर्ल्ड बैंक से $1 बिलियन की मदद देने की गुहार लगाई है।